हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग पे। तो अब दूसरे है दिन के 11:46 हो रहा है, तो मैंने अभी खाना बनाना शुरू नहीं किया है, तो अभी बनाऊंगी मैं। और आज पति देव भी जल्दी आ गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं जामुन तोड़ के लेके आता हूँ, तो मैं भी खाना बनाती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद। और आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, शायद लग रहा है बारिश आ जाएगी, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये देखो, मेरे पति इतने सारे जामुन तोड़ के लेके आ गए हैं। जो हमारे रूम के बगल में बड़ा वाला पेड़ था ना, आप लोगों को दिखाया था मैंने, तो उसमें ना आप सारे पक गए हैं, तो और इतना मज़ा आ रहा है इनको खाने में। आज बहुत दिनों बाद बारिश आई है। बारिश का ना बहुत मज़ा ले लिया है। अब हमारा बन गया है खाना, और आज ना पतिदेव ने बनाया है चिकन, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हम खा लेते हैं जल्दी जल्दी खाना और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस हम खाना खा के सो गए थे, और अब मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंने बना लिया है मैंगो शेक और हम पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी ना शाम के 3 बज गए और हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे सूट का कपड़ा लेना है। तो मार्केट जा रहे हैं, और यहाँ ना बारिश भी हो रही है, पर अभी तो रुकी है थोड़ी सी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको बाहर, क्योंकि अंदर तो यहाँ वीडियो बना नहीं सकती, तो बाहर जाके मिलती हूँ। तो गाइस हम ना थोड़े ही आगे निकले थे कमरे से, तो हमें याद आया कि हम बैग लेके नहीं आए हैं, तो पतिदेव गए हैं बैग लेने के लिए, और मैं खड़ी हूँ इधर पे। इनने इतना ज़्यादा जल्दबाजी की थी ना, जल्दी तैयार हो करके, मैं बाल भी नहीं बना के आई क्योंकि कंघी नहीं मिल रही थी, तो मैं ऐसे ही खाली बात के लेके आए, ढंग से बाल भी नहीं बनाए हैं। पता नहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश का। तो चलो चलते हैं। नाशपाती आए हैं देखो, और वो देखो ओलम भी आए हैं। अब हम ना बीकानेर मिस्टर भंडार पे पहुँच गए, और यहाँ हम हमेशा आते हैं, मतलब यहाँ से रसमलाई खाते हैं, पर आज हम गोलगप्पे खाने वाले हैं। मुझे लेने हैं लेस, और मैं चली गई लेस की दुकान में लेस ढूंढने के लिए। तो गाइस मैं ना सूट के लिए लेस लेने के लिए गई थी, पर लेस वहाँ पे था नहीं, मतलब ख़त्म हुआ था, तो मैं नहीं लेके आई, फिर बाद में लेके आऊँगी। और पति देव गए हैं बाइक का कुछ काम वाम करवाने के लिए, और फिर उसके बाद चलते हैं हम घर। तो गाइस हम पहुँच गए हैं रूम पे, और आज ना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था तो अच्छा लगा, और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई मार्केट से। तो गाइस ये है मेरा सूट, ये पूरा कपड़ा लेके आई हूँ मैं थान से, और ये है 5 मीटर कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है ये, और पूरा ऑल ओवर है इसका सलवार और सूट, मतलब कि सेम ही बनेगा। और एक और लेके आई हूँ, और एक इस कलर में है, ये भी पूरा वही है कॉटन का ही है ऑल ओवर। मैंने ना कभी ऐसे सूट बनवाए नहीं हैं, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो ना यहाँ पे पंजाब की दीदी है, और वो बहुत अच्छे सूट बनाती है, तो मैंने कहा था दीदी से कि मेरे लिए भी बना दोगे, तो मैं उनसे ही सिलवाऊंगी ये सूट, और अभी मैं उनसे अपनी नाप वगैरह दे जाऊंगी, फिर वो बना देंगे, और मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी पहन के। तो मैं मिलती हूँ चेंज करके आपसे। तो गाइस ना हमारे साथ में दीदी आती है एक, तो वो यहाँ घूमने के लिए आए थे, और हाँ बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो दीदी चले जा रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, और सूट भी लेके गई दीदी से, दूसरी वाली दीदी से अपनी नापा भी ले लूँगी, और फिर आरती दीदी जो दीदी जा रही है उनके लिए खाना बना रही है, तो मैं थोड़ा दीदी की हेल्प कर दूँगी खाना बनाने में। तो चलो मिलते हैं आपको वहीं। तो गाइस आती मुझे आरती दीदी ने काम दे दिया है, मैं बना रही हूँ पूरी।
बन गई पूरियाँ मेरी बेली हुई और दीदी पका रही है। तो गाइस ये दीदी और यार चले जा रहे हैं, हमको मिस करोगे कि नहीं? बहुत बहुत ज़्यादा। कैसे लगे सब आपको यहाँ? बहुत अच्छे। तो अभी दीदी तैयार नहीं है, फिर तैयार हो जाएंगे, इनको लेट हो रहा है, तो अभी मिलते हैं हम दीदी से। जाओ तैयार, बन रही है वीडियो अभी। बाय तो करो, जा रहे हैं हम फिर। बाय करो, बाय करो ना, बाय बाय। तो गाइस इतने सारे लोग आए हैं दीदी को बाय बाय बोलने के लिए। बाय बाय बाय, मिस यू, मिस पर रिंगला, बाय बाय। गाइस चलेगी दीदी लोग, बाय बाय। देखो हमारी प्रिंसेस बड़ी हो गई, अब 2 महीने कंप्लीट हो गए ना। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, अंदर पहुँची हूँ, तो मैं दिखा दूँ पति देव क्या कर रहे हैं और गाने लगा रही हूँ। मैंने संगीत बनाया है पूरा, मैं बनाती हूँ रोटी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।